अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 69। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन में भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया था और उसमें हमने कुछ सिंपल से टॉपिक को कवर किया था। आज के इस लेसन में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसमें पर्पस ऑफ टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट का फंक्शन यूज करेंगे और उसके अलावा और भी यूसीएस आइगन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो हम जो नॉर्मल यूज करते हैं ऑटोकैड, तो हम जब यूज करते हैं तो हम यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है जी, यूनिवर्सल व्यू में हमने किया हुआ है जी एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक या फिर जो भी है एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक या फिर करते हैं या फिर एस सी आइसोमेट्रिक करते हैं। तो उसमें जो हम जब काम कर रहे होते हैं, तो मेरे पास में जब 3D में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एल इंटर, मैं चाहता हूँ ये इस तरह टॉप पे आए, इस तरह आए। तो अब ये आप जब काम करें तो ये इस तरह हमारे पास बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ 3D ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर मैं चाहता हूँ कि एक कर्व या एक पाइप की शेप हो, तो पाइप की शेप बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करूँगा। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में टॉप है, तो टॉप पे क्लिक करते हो तो टॉप से आपको जो भी काम आप करेंगे आप टॉप से करेंगे। अभी हम वैसे भी टॉप में ही काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं टॉप से काम करते हैं। और उसके बाद बॉटम है, तो बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम से काम करेंगे, देख सकते हैं बॉटम है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से काम करना चाह रहा हूँ तो मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो देखें ये रेड साइड से मैं लेफ्ट साइड से मैं काम कर रहा हूँ, देख सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं राइट साइड से काम करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड से काम होगा। मैं फ्रंट से काम करना चाह रहा हूँ तो मैं ये फ्रंट से काम करूँगा। देखिए ये फ्रंट सामने, बिल्कुल सामने से काम हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से हो रहा है, ये राइट साइड से हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं बैक साइड से काम करता हूँ तो ये मैं बैक साइड से काम करूँगा, देखिए ये बैक साइड से काम हो रहा है। अब ये काम होगा कैसे, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने अब 3D ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल बनाना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको फ्रंट वाला या राइट साइड या फ्रंट जो भी है, मैं राइट साइड वाला काम करता हूँ, तो राइट साइड मैंने क्लिक किया, मैं पॉली लाइन पी एल एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, अभी देखें ये किस तरह काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे जाके ना कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओपन करता हूँ ना, तो अब देखें ये किस तरह मेरे पास आ गया, नज़र आ रहा है आपको फिर आइसोमेट्रिक में जब मैं काम कर रहा हूँ तो देखें इस तरह मेरे पास ये आएगा। तो मैं यहाँ से राइट कीजिए, मैं वर्ड पे जब जाता हूँ और वर्ड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखें ये मेरे पास किस तरह है, एक 3D शेप में है। अब मैंने यहाँ पे ये अब टॉप है, ये इसका बॉटम है, और बॉटम जो है तो मेरे पास, मेरा बॉटम जो है तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो बैक साइड से बनेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखें यहाँ पे जाता हूँ और मैं राइट है और मैं यहाँ से बैक पे क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा ये बैक साइड से रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, देख सकते हैं ये बैक है, आप देख सकते हैं। इसको मूव करता हूँ मैं, या मैं सर्कल में फॉर एग्जाम्पल एक पाइप की शेप बना रहा हूँ, सर्कल लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ इस पॉइंट से, तो आप देखें ये बैक साइड से आ रहा है सर्कल। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टॉप है, तो इसके लिए आप टॉप करें, यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करें, टॉप पे को मैं क्लिक किया, अब मैं इसके ऊपर भी सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, देखें ये टॉप से सर्कल ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। तो ये कुछ इसके फंक्शन होते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो काम करना है, मैं फॉर एग्जांपल अब देखें 3D में मैं इसको, मैं पाइप जो है तो उसको मैं एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा EXT एंटर करता हूँ, सेलेक्ट किया और पाथ के लिए P एंटर करता हूँ, ये पाथ देता हूँ इसको, देखें आप तो इस पाथ में मेरे पास ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, देख सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पे काम करने का, देख सकते हैं। अब मैं अगर यही काम 3D में कर रहा होता तो मुझसे 3D में ही काम नहीं होता।
अगर मैं ये यूज़ करता तो मुझसे टाइम लग जाता, या फिर आपने सर्कल जो है उसको 90 डिग्री पे एंगल पे आपने मूव करना होता, जिस तरह ये सर्कल मैंने किया बनाया है तो इसको 90 डिग्री पे मैंने मूव करना होता, तो मैंने ये काम कुछ भी नहीं किया और मेरे पास ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपने और भी इसमें काम करना है तो आप फॉर एग्जाम्पल फ्रंट से काम करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड से करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं काम। बॉटम है, बॉटम के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एल इंटर करता हूँ, एल एंटर किया मैंने यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप की जगह में सब, फिर मैं फ्रंट पे आता हूँ तो फ्रंट से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, आप फ्रंट से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब मैं इसके बैक साइड पे भी फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो मैं बैक साइड से रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। अब जब मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे वर्ड में, और अब देखें तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह का फंक्शन आ गया। अब इसमें मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट भी लेता हूँ, तो अब ये इसका फ्रंट पॉइंट है और ये इसका बैक है, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये बैक है और ये इसका फ्रंट है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो आप इस मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यही काम मैं 3D सॉलिड में अगर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी फ्रंट पे, मैंने फ्रंट से एक बॉक्स ड्रॉ करना है, देखिए ये फ्रंट से आ रहा है, आप देख सकते हैं बस फ्रंट से आ रहा है। अगर यही काम मैं जो है तो मैं बैक से करता हूँ, देखिएगा बैक से मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, देखें ये बैक साइड है। अब यही काम अगर मैं करता हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल बैक की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ, टॉप से करता हूँ, तो जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा ये बॉक्स, तो ये मैं टॉप पे करूँगा, देखें ये टॉप से हो रहा है काम, देख सकते हैं। अब इसी तरह बॉटम पे करना है तो बॉटम से करेंगे, देखिएगा टॉप और बॉटम का फंक्शन तो एक जैसा लगता है, लेकिन जब आप 3D में काम करते हैं तो ये आपको काफ़ी फर्क लगता है, देखें बॉटम से हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से करना चाह रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड से आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड से ड्रॉ होगा, ये देखें ये सामने जिस तरह दीवार है फॉर एग्जांपल, दीवार से देखें बाहर निकल रहे हैं। राइट साइड करते हैं तो राइट साइड से होगा, राइट साइड से करता हूँ, राइट साइड से हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आप फ्रंट से करते हो तो फ्रंट से आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, देख सकते हो फ्रेंड। तो ये कुछ इसके मेथड्स हैं आपको 3D ऑब्जेक्ट या 3D में काम करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और इस पर आप अच्छी तरह से काम कर लेंगे। तो इससे पहले वाले जितने लेसन हमने बनाए हैं, जितने लेसन पे काम किया है, आप उन पर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से ऑटो कैड में, 3D में जब हम काम करेंगे, 3D मॉडलिंग करेंगे, तो उसमें आप अच्छी तरह से इन पर काम कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।